यह मेरी दुकान है, माना कि थोड़ी छोटी है, लेकिन इस दुकान से मेरा और मेरा परिवार का गुजारा हो जाता है। इतना पैसा मैं कमा लेता हूं जिससे हम दो वक्त की रोटी खा सकें और घर में थोड़ी खुशियां आ सकें। हम साथ रहते हैं, बहुत खुश रहते हैं। कभी कभी लोग नहीं आते हैं फल खरीदने, इसमें मैं दुखी नहीं होता हूं, क्योंकि मुझे पता है मेरी मेहनत कभी खराब नहीं जाएगी, क्योंकि मैं ईमानदारी से मेहनत करता हूं। सपना तुम फोन ले लो, मैं गाड़ी पार कर गया था। जल्दी आ जाना। हाँ ठीक है। कभी 100-200 रुपए आ ही जाते हैं और इसमें से हम लोग बहुत खुश हो जाते हैं। मेरा फोन वापस करो, मैंने कहा मेरा फोन दो, वापस करो। मैं आपका फोन कब लिया मैम? मैंने दिया नहीं, तूने उठाया है। मैं क्यों लूंगा आपका फोन मैम? मैं यहाँ से फल लेके गई, तब से ही मेरा फोन गायब है। नहीं मैम, मैंने नहीं लिया। मेरा फोन वापस करो। जी मैम, मुझे सच में नहीं पता आपका फोन कहाँ है। तुम्हें पता भी है कितना महंगा फोन था, 1,00,000 रुपया का। तूने अपनी पूरी जिंदगी में भी ऐसा फोन नहीं देखा होगा। सच में मैम, मेरे पास आपका फोन नहीं है, मैं आपका फोन देखा तक नहीं हूँ। और किसको बोलूँ मैं, जब से मैं यहाँ फल लेने आई थी तब से ही तू मेरा फोन देख रहा था। तूने ही लिया है मेरा फोन, एक नंबर का चोर हो तुम लोग। दिन में मेहनत के दिखावा करते हो और बाद में ऐसे चोरियां करते हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें ऐसा काम करते हुए। निकाल मेरा फोन। मैम आप मुझ पर गलत इल्जाम लगा रहे हो, आपको साथ गलत फहमी हुई है। देख मैं प्यार से पूछ रही हूँ, मेरा डैड पुलिस ऑफिसर है, ऐसे सजा दिलवाऊंगी जिंदगी भर जेल की हवा खाएगा तू। मैम मुझे मेरी माँ की कसम, आपके फोन के बारे में मुझे सच में नहीं पता। 1,00,000 फोन के बदले अगर तेरा माँ मर भी जाए ना तो इससे कोई नुकसान नहीं पड़ेगा। देख मैं प्यार से पूछ रही हूँ, मेरा फोन वापस कर। तेरा माँ बाप कुछ सिखाते नहीं है क्या? तेरा माँ बाप क्या सिखाएंगे, तुम लोग तो सड़क पे ही पैदा होते हो और सड़क पे ही मर जाते हो। तुम गरीब लोग हो ना, तुम्हारी नीयत खराब ही होती है, ऊपर से चरिया करते हो। देख मेरा भैया आएंगे तो बहुत मारेंगे तेरे को, कहाँ छुपा के रखा है मेरा फोन, वापस कर मेरा फोन। सच में मैम, मेरे पास आपका फोन नहीं है, मैं आपका फोन देखा तक नहीं हूँ। मेरा फोन दे दे जल्दी से मेरा। क्या हुआ मैडम, ये ठेले वाला आपको परेशान कर रहा है क्या? क्या नहीं हुआ है पूछिए भैया जी, मेरा फोन चोरी करके ले गए ये गरीब लोग। क्यों बे, चोरी करता है क्या? चोरी करता है, चल आज तुझे दिखाता हूँ। क्या हुआ सपना, ये ठेले वाले को क्यों मार रहे? अरे
अरे भैया, आप जो मुझे 1,00,000 रुपया का फोन गिफ्ट किए थे ना, ये साले कुत्ते फल वाले मेरा फोन चोरी करके ले गया। अरे तेरा फोन तो मेरे पास है, तू गाड़ी में छोड़ के आई थी। ओ शेट। अरे भैया छोड़ दो उसे, मेरा फोन मिल गया। ए चलो रे। ए चलो चलो चलो। थोड़ा गलत फहमी हो गई थी, मुझे लगा कि मेरा फोन तेरा पास था, मेरा भैया के पास था। भैया 500 रुपए देना। ये ले तेरे सारे नुकसान के लिए और तेरे साथ जो कुछ हुआ। इतनी मार खाने के बाद मुझे सॉरी बोलने के बदले 500 रुपया दे के चली गई। अगर वो मुझे दिल से माफ़ी मांग लेती तो शायद मैं खुश हो जाता। ये अमीर लोग कभी भी हमारे भावनाओं को नहीं समझ सकते। ये आपके पैसे लीजिए, मेरे ठेले पे आप भूल गए थे। हाँ मैडम जी, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। कभी भी किसी से शक करने से पहले आप देख लीजिए कि सामने वाला सही है या गलत है। कभी कभी हम जोश से फैसला ले लेते हैं, उससे सामने वाले की ज़िंदगी ख़राब हो जाती है। पहले आप ये देख लीजिए कि सामने वाला सही है या गलत, तभी आप ये फैसला लीजिए। और आप क्या बोल रहे थे, अगर 1,00,000 के लिए मेरी माँ मर भी जाए तो मेरा कोई नुकसान नहीं? माँ सबके लिए भगवान समान होती है, वो चाहे आपकी हो या चाहे मेरी। हम सभी अपने अपने माँ को प्यार करते हैं। मैं चाहता तो उसी समय आपको जवाब दे सकता था, लेकिन मेरी माँ ने लड़कियों की इज्जत करना सिखाया है। मुझे पता है कि लड़कियों के साथ किस तरह पेश आना चाहिए, इसीलिए मैं आपके सामने चुप रहा। आपने कहा था गरीब और अमीर, लेकिन कभी भी हर जगह पैसे मायने नहीं रखता है, मायने रखता है आपकी खुशी। आप कितने खुश अपनी ज़िंदगी में हैं, माना आपके पास पैसे कितना भी हो, फर्क नहीं पड़ता आपके पास पैसा कितना हो, आप कितने अमीर हो, फर्क इससे पड़ता है आप कितने खुश हो। आपको अपना परिवार साथ कितना दे रही है, आप अपनों के साथ व्यवहार कैसे रखते हो। आप जैसे अमीर लोग ये सब कभी समझ ही नहीं सकते, अपनों के साथ गलत करते भी हो और साथ में गरीब लोगों की बहुत बेइज्जती करते हो। उन्हें हमेशा गलत समझते हो, चोर समझते हो, लेकिन हर गरीब चोर नहीं होता, कुछ अच्छे भी होते हैं। माना कि मैं गरीब हूँ, मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं है, लेकिन मैं आपकी तरह बिल्कुल भी नहीं हूँ। लेकिन जब कोई गरीब दिखता है मेरे जैसे, जिसको मदद की ज़रूरत हो, मैं उसकी मदद करता हूँ। मैं ये नहीं देखता हूँ कि मेरे पास पैसे कितने हैं, लेकिन मैं पूरी कोशिश करता हूँ उसकी मदद करने के लिए। लेकिन आप जैसे लोग सिर्फ जेब देखते हो, पैसे है या नहीं, और अपने जेब को भरने में लगते हैं और अपने जायदाद बनाने में लगते हैं। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये सब गलत है, लेकिन दूसरों के साथ गलत करना गलत है, ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। लेकिन आप जैसी अमीर लड़कियाँ ये सब कहाँ समझेंगी? कभी भी किसी को आप लोग बेमतलब नीचा दिखाते हो, उसे इतना मजबूर कर देते हो कि वो अपने आप की जान ले लेता है, वो अपनी ज़िंदगी आप ही लोगों की वजह से ही ख़त्म कर देता है। आप लोग उसकी दर्द को समझ ही नहीं पाते हो, सारी गलती आप लोगों की ही होती है, लेकिन भुगतना उसे ही पड़ता है। देखिए ना, सिर्फ आपकी एक गलत फहमी की वजह से मेरा मेहनत का बनाया हुआ ठेला आज बर्बाद हो गया। अगर आप सही समय पर सही फैसले लिए होते तो आज ये मेरे साथ नहीं होता। और आप मुझे 500 रुपये दिए थे मेरे इलाज के लिए, मैं आपको 1,000 रुपये दे रहा हूँ। आइंदे से मेरे जैसे गरीब कोई दिख जाए ना, तो उसकी मदद जरूर कर लेना। आप कभी भी किसी का साथ गलत मत कीजिए, हमेशा प्यार से बात कीजिए। अगर आपसे कभी गलती हो भी जाए तो घमंड से माफी मत मांगिए,
दिल से माफी मांगिए और हमेशा सबकी इज्जत कीजिए।